खुश रहती थी। आप आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। नमस्कार, मंच की गरिमाओं को नमन और यहाँ मालवा की मिठास समेटे समस्त श्रद्धा समुदाय को नमन। ग्वालियर जहाँ कहते हैं बच्चा भी रोता है तो सुर में रोता है, हम ग्वालियर से आए हैं। वीर बुंदेलों की धरती सूखा अंचल सरस बहुत है, यहाँ हृदय में झांक देख लो, बुंदेलों का प्यार बहुत है, बुंदेलों का प्यार बहुत। मेरी एक छोटी सी कहानी दशानन वध। अपनी कॉलोनी का रावण दहन कुछ ही समय में संपन्न हो गया और भीड़ ने अपने अपने घरों की ओर रुख किया। लेकिन आज वैशाली का मन अपने शहर के चर्चित बड़े रावण दहन को देखने का हो रहा था। उसने शिखर यानी पति देव से अनुरोध किया कि शिखर चलो आज दशहरा मैदान का बड़ा वाला रावण दहन देखते हैं, प्लीज शिखर चलो ना। शिखर ने भी कार की स्टेरी दशहरा मैदान की ओर मोड़ दी थी। ज्यो ज्यो कार दशहरा मैदान की ओर आगे बढ़ती जाती त्यों त्यों भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो और लेटेस्ट ट्रेंड की बड़ी फोर व्हीलर गाड़ियां भी लंबी लंबी कतारों में ट्रैफिक जाम के कारण मंथर मंथर गति से सरक रही थी। ट्रैफिक जाम से उत्पन्न झुंझलाहट शिखर पर हावी होने लगी और वह उस घड़ी को कोस रहा था कि क्यों वैशाली की बातों में आकर यहाँ आने की ठान ली। वैशाली भी इधर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी, नाहक ही आज रावण दहन देखने की जिद कर बैठी। तभी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए समस्त व्हीकल को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, यानी अब आगे नहीं जा सकते। पैदल चलने वालों की भीड़ किसी महासागर में उठने वाले लहरों के मानिंद बढ़ती जा रही थी। अब कारें ऐसी जगह फंस चुकी थी जहां ना आगे बढ़ना संभव था ना पीछे रुकना मुश्किल, सिवाय बेबसी के अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वैशाली के मन ही मन में कहीं रावण रामायण का वह सीन चलने लगा जब स्वर्ण मृग को देखकर सीता ने भगवान राम से स्वर्ण मृग पाने की जिद की होगी और शायद राम इसी तरह विवश होकर गए होंगे। अभी मानस पटल पर उद्वेलन जारी रहता कि एकाएक कार की खिड़की के पास लगभग 40 साल के खिचड़ी नुमा बालों वाले साइकिल सवार ने माँ को कलंकित कर दी, भारत देश की बहुचर्चित गालियां देना आरंभ कर दी। यह शायद भीड़ के बीच दशानन वध का अलग ही किस्म का आनंद मना रहा था। कार में बैठी महिलाओं ने भी गालियां सुनी लेकिन अनसुना करने में सबकी भलाई। वह साइकिल सवार अब आगे स्कूटी में सवार युवतियों के पास आकर बेहूदगी कर रहा था। यह समय केवल ट्रैफिक जाम से किसी तरह बाहर निकलने का था, कोई भी खाम का पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन उस साइकिल सवार की हरकतें बढ़ती जा रही थी। तभी अकस्मात पीछे से आ रहे स्कूटर सवार ने एकाएक अपने स्कूटर की रफ्तार तेज करके ठीक साइकिल सवार के सामने अपने स्कूटर खड़ी कर दी और उसे एक पल भी संभालने का मौका दिए बिना थप्पड़ों की बौछार कर दी। साथ ही कहता जा रहा था, सारे तुम जैसे रावणों का वध करना ज्यादा जरूरी है, भीड़ का फायदा उठाकर ये लोग बदतमीजी करने आते हैं। अब साइकिल सवार अपनी हरकतों के लिए शर्मिंदा था, स्कूटर वाले ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और भीड़ में कहीं खो गया। वैशाली को अब किसी रावण दहन देखने की कोई लालसा नहीं थी। अभी अभी श्री राम के रूप में स्कूटर सवार द्वारा कलयुगी रावण का दहन वह देख चुकी थी। अब इनके बारे में आमंत्रित करती हूँ गिरिजाकुल श्रेष्ठ जी को, वो आए और अपनी रचना का पाठ करें। सम्मान्य मंच एवं सामने बैठे सभी साहित्य मर्मज्ञ लोग, मैं सबसे पहले तो वामन साहित्य मंच और घमासान.com को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनके आयोजन की वजह से इंदौर देखने का मौका मिला, खूबसूरत शहर है ये, और सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं समय का ध्यान रखते हुए एक छोटा सा गीत सुना रही हूँ आपको। मौसम बदल रहा है हर शाम क्या करें, मौसम बदल रहा है हर शाम क्या करें,
मौसम बदल रहा है हर शाम क्या करें, जंगल उजड़ रहा है सरेआम क्या करें, है कौन किसके आगे ये जंग सी छिड़ी है कौन किसके आगे ये जंग सी छिड़ी है, हर सू सुनाई देता कोहराम क्या करें, हर सू सुनाई देता हर कोहराम क्या करें, बैठे रहे वो अब तक हाथों पे आत रख कर, आजकल यही हो रहा है कार्यालयों में सब में अचानक एकदम आदेश आ जाते हैं और परिणाम चाहते हैं उसको, बैठे रहे वो अब तक हाथों पे हाथ रख कर, अब रोपते हथेली पे हम क्या करें, जंगल उजड़ रहा है सयाम क्या करें, कारण कोई न समझे तह तक कोई न जाए, कारण कोई न समझे तह तक कोई न जाए, सब देखते हैं केवल परिणाम क्या करें, सब देखते हैं केवल परिणाम क्या करें, जंगल उजड़ रहा है सरेआम क्या करें, कांधे पे जिनके सदियों से ये जमीन टिकी है, कांधे पे जिनके सदियों से ये जमीन टिकी है, वे ही सदा रहे हैं गुमनाम क्या करें, वे ही सदा रहे हैं गुमनाम क्या करें, मौसम बदल रहा है हर शाम क्या करें, अंतिम है निर्माण में भवन के बस एक ईंट रख कर, निर्माण में भवन के बस एक ईंट रख कर, अखबार में छपाते वो नाम क्या करें, अखबार में छपाते वो नाम क्या करें, मौसम बदल रहा है हर शाम क्या करें, जंगल उजड़ रहा है सरेआम क्या करें, धन्यवाद। इसके बाद हेमलता शर्मा जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ, यहाँ उपस्थित सभी शुद्धि श्रोता जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है गणतंत्र। अर्थ नहीं है तंत्र बता दो, अर्थ नहीं है तंत्र बता दो, देश का ऐसा मंत्र है, लाख शहीदों की वेदी पर, लाख शहीदों की वेदी पर बना हुआ गणतंत्र है, न्याय दंड का मोल यहाँ पर चांदी के बल होता है, अन्यायी आजाद रहे यहाँ हरिश्चंद्र अब रोता है, देश में कुर्सी ईश्वर से भी बढ़कर पूजी जाती है, कुर्सी पूज रहे हैं नेता, कुर्सी पूज रहे हैं नेता, कुर्सी उनकी साथी है, न्याय नहीं सरकार नहीं फिर, न्याय नहीं सरकार नहीं फिर, कैसे देश स्वतंत्र है, अर्थ नहीं है तंत्र बता दो, देश का ऐसा मंत्र है, लाख शहीदों की वेदी पर बना हुआ गणतंत्र है, बना
साहित्य मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया। धन्यवाद। मंच पर से बोल रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नीलू शुक्ला जी को, भोपाल से हैं, कविता कहेंगी। आप सबको मेरा नमन है। मैं लक्ष्मी देवी छत्तीसगढ़ से। सागर खारा है, हर चीज है अधूरी। सागर खारा है, हर चीज है अधूरी। उसी तरह मेरे स्वरों में है गड़बड़ी। गुजारिश है आप सबसे, इस भूल को ना माने बड़ी। मेरी कविता का शीर्षक है पर्यावरण से है। पीपल कहे बबूल से, पीपल कहे बबूल से, यह किसकी है भूल। पीपल कहे बबूल से, यह किसकी है भूल। जीवन अपना खतरे में, वायु है प्रतिकूल। कब तक चलेगा हम पेड़ों के नसबंदी का खेल। कब तक चलेगा हम पेड़ों के नसबंदी का खेल। कौन बढ़ाएगा आगे अपनी वंश बेग। इतना सुनते ही निदा करने लगी विला। इतना सुनते ही निदा करने लगी विला। मैं तो बंजर भई सके रहे नहीं जो आप। अपनी व्यथा कहूँ किसे कहने लगी नी। अपनी व्यथा कहूँ किसे कहने लगी नी। जो पीड़ा है आपकी मेरी भी वही पीड़। वृक्ष आप पीता मेरे कहने लगा पवन। वृक्ष आप पीता मेरे कहने लगा पवन। जीवन मेरा आपसे, आपसे मेरा मरण। कार्य इनका है नहीं मानो तेरा कार। कार्य इनका है नहीं मानो तेरा कार। अब भी वक्त है ऐ पगले पर्यावरण संभाल। करबद हो ये सब कहे मानो तुझे प्रणाम। करबद हो ये सब कहे मानो तुझे प्रणाम। जीवन दान दीजिए ताही माम ताही माम। जीवन दान दीजिए ताही माम ताही माम। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.